The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hum baat karenge bad breath ki. To agar aapke bhi muh se बदबू आती है, गंदी बदबू आती है, किसी प्रकार की गलत बू आती है, आपके पार्टनर कंप्लेन करते हैं या फिर आप ही को अजीब लगता है, लोग कहते हैं जाओ ब्रश करके आओ, बार बार जाते हैं ब्रश करके आओ, पर आपको लगता है आप अच्छे से ब्रश करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए. सो हैलिटोसिस बोलते हैं इसको, बैड ब्रेथ प्रॉब्लम को, और उसके कई कारण हो सकते हैं और ये किसी अंडरलाइन हेल्थ प्रॉब्लम के साइन भी हो सकते हैं. तो साइन सिम्टम क्या है, ये क्यों है, ये आज इसके बारे में बात करेंगे. सिम्टम्स क्या होते हैं हैलिटोसिस के, सुबह सुबह खासकर जब आप उठते हैं तब आपकी बहुत ही ज़्यादा बुरी ब्रेथ होती है, उसको हम मॉर्निंग ब्रेथ कहते हैं. अब यू मे ऑल्सो हैव दैट बैड ब्रेथ ऑफ एंड ऑन पूरे दिन में कहीं आपके ब्रेथ उल्टी सीधी हो रही है और आपको पता ही नहीं, बिकॉज और लोग बताते हैं आपको कि भी आपकी ब्रेथ पड़ी, ठीक है. सो अगर आपको बैड ब्रेथ है तो और क्या क्या सिम्टम आएंगे कि आपको पता चले, है ना, आपको पता ही नहीं. कई बार आपका माउथ ड्राई होता है, ड्राइनेस इन द माउथ. कई बार आपके दांतों के आसपास गम लाइन पे प्लेक आपको दिखाई दे सकती है और वाइट कोटिंग हो सकती है टंग के ऊपर. पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकती है. साइनसिस ड्रेनिंग द थ्रोट, आप बार बार करते हैं पूरे दिन में. और बैड टेस्ट हो सकता है आपके मुंह में, गलत गंदी टेस्ट आ रहा हो, मेटेलिक टेस्ट आ रहा हो. अगर ये सब हो रहा है तो हो सकता है आपकी ब्रेथ भी बैड हो, बुरी स्मेल आ रही हो लोगों को. तो ऐसे केस में आप कुछ चीज़ पूछिए कि भाई कुछ आ रहा है, बैड है, क्या है. अगर आप नहीं फील कर पा रहे तो बुरा, इफ इट इज देयर, अगर बैड ब्रेथ है तो मेडिकली इसे हैलिटोसिस कहते हैं. हैलिटोसिस बहुत ज्यादा बार, मतलब ज्यादातर केसेस में मुंह से ही आती है, मुंह के अंदर ही बीमारी है. लेकिन कुछ केसेस में, मतलब ज्यादातर केसेस में मुंह के अंदर, यानी या तो खाना जो है आपके दांतों के बीच में गम्स में फंस गया, ऐसे केसेस में अगर आप ब्रश नहीं करते, अच्छे से फ्लॉश नहीं करते, तो वो फूड जो है पड़ा पड़ा सड़ जाता है, रॉट होने लगता है. वो रॉटन फूड बैड ब्रेथ प्रोड्यूस कर सकता है, उसी के ऊपर बैक्टीरियाज ग्रो हो सकते हैं, बैक्टीरियाज वहाँ पे गम्स जो आपके मसूड़े हैं उसमें इन्फ्लामेशन करके जिंजिवाइटिस कर सकते हैं, जिंजिवाइटिस के वजह से बैड ब्रेथ हो सकती है. अगर आप कोई चीज़ ऐसी खाते हैं या पीते हैं जो, तो उससे भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बैड ब्रेथ आ जाए, जैसे कि अनियन, गार्लिक, चीज़, पस्त्रामी, कुछ स्पाइसेस, ऑरेंज जूस, सोडा, ऐसी चीज़ें लेने से भी बैड ब्रेथ टेम्पररीली आती है. कुछ ऐसे फूड हैं जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते. अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो तब, या इवन ऐसे कुछ फूड है जो, जैसे कुछ ऑयल्स हैं, राइट, कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब होने के बाद आपके लंग्स में जाते हैं और आपके शरीर में इस प्रकार की ओडर प्रोड्यूस करते हैं. सो इसको क्या करेंगे, ऐसे भी चीज़ें, तो डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये है कि वो है कि वो है कि वो है कि वो है. सो हैलिटोसिस डायग्नोस करने के लिए आपके सिर्फ बदबू से भी कई बार, किस प्रकार की स्मेल है उससे भी कई बार इंडिकेशन मिल सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है. प्लस आपकी हिस्ट्री, कि आप ब्रश करते हैं कि नहीं, आप कितना रेगुलर ब्रश करते हैं, आपने रिसेंटली क्या खाया, आप उन सब से भी अंडरलाइंग डिजीज पता कर सकते हैं. ओरल एग्जामिनेशन से डेंटिस्ट आपके दांतों को देख के बता सकते हैं कि ये देखो, ये सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, दांत सड़ा है या उसके ऊपर ये सड़ा है, जिंजिवाइटिस है, इसके वजह से हो रहा है. सो ओरल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड व्हाट हैव यू ईटन, उससे पता चलता है. आप इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं ताकि ये ना हो. आप दिन में दो बार ब्रश कर सकते हैं. हो सकता है आपकी टीथ पे, आपके टंग पे वाइट कोटिंग हो, दैट माइट बी ओरल थ्रश. ओरल थ्रश पे एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारा, वो जाके देखिए. वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो आपको ब्रश अच्छे से करना है, गम लाइंस को क्लीन करना है. ये नहीं कि दांत साफ कर लिए गम लाइन पे लगा रह गया, दैट इज अ डेंजरस थिंग, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. प्लाक जो होते हैं वो फिर आगे चल के टार्टर बन सकता है, जिंजिवाइटिस कर सकता है, पेरियोडोंटाइटिस कर सकता है, बहुत सारी बीमारियां, यानी इन्फेक्शन जड़ों तक जा सकता है, हड्डियों तक जा सकता है. सो अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, दिन में दो बार. फ्लॉशिंग अच्छी होती है, फ्लॉशिंग करना ज़रूरी होता है. आप अपने दिन भर में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, इन अ सेंस फाइबर ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है. मीट और जो स्वीट फ्रूट्स हो, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, मीठी चीज़ें हैं, वो आप अवॉइड करें. उसके अलावा टबैको भैया, ऑब्वियसली वो आपका कारण भी बन सकता है और प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है. सो स्मोकिंग, टबैको, बीड़ी, सिगरेट बंद कर दीजिए. और अगर ड्राई माउथ है, वो कभी कभी अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस कर सकता है, तो माउथ ड्राई दिखेगा,
फील होगा, तो पानी ज़्यादा पीजिए, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, शुगर फ्री मिंट्स, शुगर फ्री च्युइंग गम्स आप चबा सकते हैं माउथ को ड्राई और सलाइवेशन को प्रमोट करने के लिए। माउथ वॉश जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देते, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ वॉश यूज कर रहे हैं क्या हो गया हो गया हो गया। फाइंड आउट द कॉज, फाइंड आउट द बेसिक कॉज ऑफ इट, राइट। माउथ वॉश को आप 30 सेकंड तक रखिए मुंह के अंदर, खुट 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 स्प्लैश आउट। और आप अगर डेंचर्स पहनते हैं तो डेंचर्स को हर रात को निकाल के रख दीजिए, सही से उसको सोक करके डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन में या अच्छे से साफ करके। रिमूवेबल ब्रेसेस अच्छे से साफ होने चाहिए, उसमें भी कई बार जो होता है सड़ी हुई चीजें लगी हुई रहती हैं, फूड पड़ पड़ के सड़ा हो जाता है। हेलिटॉसिस अगर आपको है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा, सही से एक डेंटल हाइजीन करनी होगी। प्लस अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी, ओरल थ्रश है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, जेंजिवाइटिस है, या फिर इसी प्रकार की कोई भी इशू, उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना होगा कुछ टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह के अंदर से ही बैड ब्रेथ आती है, और भी जगह है, जैसे साइनसिस, आपके नाक से हड्डियों साइनसेस आपके जुड़े हुए हैं, सो समटाइम्स साइनस इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो लीड टू बैड ब्रेथ। कुछ क्रोनिक लंग डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस और इवन डायबिटीज अगर बहुत अनकंट्रोल है, दैट कैन लीड टू बैड ब्रेथ। तो ऐसे केसेस में एक हेल्थ चेकअप जरूरी है कि किडनी, लिवर, शुगर लेवल्स सब ठीक है, सीबीसी सब ठीक है, साइनसिस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू कवर। सो इन सबको कवर करेंगे तो आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। सो आई होप दिस हेल्प्स। इसको जरूर शेयर करें, लोगों का भला होगा, लोगों को आइडिया मिलेगा क्या करना चाहिए। सो दिस आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो लाल बटन है, मुझे नहीं पता, वो दब जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।